राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटेटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज 30 मार्च 2024 शनिवार, इस साल 2024 में आलू मंडिया खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ने पे तुली हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आलू मंडियों में हर दिन भाव में कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। इस साल ऐसी परिस्थिति बनेगी, आने वाले समय में बनेगी कि आलू मंडिया अपना खुद का जो 2020 या उसके पहले जो अपना रिकॉर्ड बनाया था आलू की भाव की तेजी में, वो इस साल तोड़ेगी जरूर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आलू के भाव के बारे में, और अभी जो आलू मंडियों में जो लेवाली है, मतलब जो ग्राहकी है, वो कैसी है, और मंडियों से जब रिपोर्ट लिया तो व्यापारी भाइयों ने, आढ़तिया भाइयों ने जो आलू की खपत और भाव के बारे में क्या क्या जानकारी दी, उसके बारे में बात करेंगे। तो कृपया करके वीडियो पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दिए जा रही जो जानकारी है वो आपको मददगार हो रही है कि नहीं हो रही, या तो इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करने के बाद ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, उसके लिए प्रयास करें, मतलब उनके लिए आप वीडियो शेयर करना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आलू के भाव के बारे में, जो अभी मैंने गुजरात से लिए हुए हैं, गुजरात की आलू मंडियों से। तो सबसे पहले बात करते हैं आज राजकोट मंडी की। तो राजकोट मंडी में जो पुखराज आलू है वो 350 रुपये से लेकर 450 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से अभी बिक्री हो रहा है, मतलब कि 1750 रुपये से लेकर 2250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गुजरात की राजकोट मंडी में पुखराज आलू बिक रहा है। उसके बाद बात करते हैं सुख्याति आलू की, जो राउंड शेप वाला आता है, उसके बारे में बात करें तो राजकोट मंडी में 400 रुपये से लेके 450 रुपया, 460 रुपया तक प्रति 20 किलो के हिसाब से, मतलब कि 2000 रुपये से लेके 2300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से राजकोट मंडी में सुख्याति आलू अभी बिक रहा है। वहीं बात करें राजकोट मंडी से बादशाह आलू के भाव के बारे में, तो बादशाह आलू राजकोट मंडी में 400 रुपये से लेके 500 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से, मतलब कि 2000 रुपये से लेके 2500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गुजरात की राजकोट मंडी में बादशाह आलू का बिक्री हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात की दूसरी अहम मंडी अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद मंडी में आज पोखराज आलू 300 रुपये से लेकर 400 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है, मतलब कि 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पोखराज आलू अहमदाबाद मंडी में भाव चल रहे हैं। वही बात करें ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू 320 रुपये से लेकर 400 रुपया, 420 रुपये तक प्रति 20 किलो के हिसाब से ख्याति आलू का भाव चल रहा है, सुख्याति आलू का, मतलब कि 1600 रुपये से लेके 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ख्याति आलू का भाव चल रहा है। वही बात करें गुजरात की अहमदाबाद मंडी में बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू 350 रुपये से लेके 430 रुपया, 440 रुपये तक प्रति 20 किलो के हिसाब से भाव चल रहे हैं, मतलब कि एक मिनट काउंटिंग करना पड़ेगा, 1750 रुपये से लेके 2200 रुपया, 1750 रुपये से लेके 2200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गुजरात की अहमदाबाद मंडी से बादशाह आलू अभी आज की तारीख में बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये दो मंडियों की अपने बात की, आगे भी एक मंडी का बात करूंगा। सबसे उससे बीच में एक बात जान लेते हैं कि ये जो मंडियां पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में कम से कम क्विंटल पे देखे तो 100 से 200 रुपये का उछाल देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं गुजरात की अहम मंडी सूरत मंडी से। तो सूरत मंडी में आज पुखराज आलू, जो हमारे बनासकांठा डिशा की तरफ का आता है, वो पुखराज आलू 370 रुपये से लेके 400 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से, मतलब कि 1850 रुपये से लेके 2000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से डिशा का पुखराज आलू सूरत मंडी में बिक रहा है। वही बात करें अब पुखराज आलू जो बीजापुर साइड का आता है, उसकी बात करें तो सूरत मंडी में 400 रुपये से लेके 430 रुपया प्रति 20 किलो, मतलब 2000 रुपये से लेके 2150 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बीजापुर का पुखराज आलू सूरत मंडी में बिक रहा है।
किशन भाई, यहाँ पे डीसा और बीजापुर के जो आलू का जो भाव में अंतर है, उसका एक मेन रीजन ये है कि बीजापुर साइड का जो आभराज आलू या जो भत्सा आलू आता है, उसका जो साइज होता है वो एकदम मोटा आलू होता है, और उसका जो ग्रेडिंग होता है वो एकदम बढ़िया क्वालिटी का होता है, और उसका जो कलर है, उसकी शाइनिंग है, वो भी बढ़िया आती है। इस वजह से जब तक बीजापुर तरफ का जो पुखराज या तो भत्सा आलू मंडियों में जाएगा, तब तक डीसा की तरफ के आलू का जो भाव है वो उस मुकाबले ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। ये डिफरेंस है। तो मैंने आगे दो चार वीडियो में बताया कि मैंने बीजापुर का दौरा भी किया, इसलिए किया था कि वो जो बीजापुर लाटोर साइड का जो इलाका है, वहां से जो आलू की खुदाई अभी चल रही है, वो कितना दिन चलेगी, उसके बाद ही जो पूरा जो मंडियों में जो माहौल बनेगा कोल्ड स्टोरेज आलू का, वो अपने को मालूम पड़ेगा। तो अभी ये पोजीशन बनी हुई है, और मेरे को लगता है कि आने वाले 4 या 5 दिन में बीजापुर तरफ का जो आलू है वो शायद खत्म हो जाएगा, ऐसे इंसानों से बात करके मेरे को जानकारी मिली है। तो ये पुखराज आलू की बात होगी। अब बात करते हैं सूरत मंडी से ख्याति आलू की। तो ख्याति आलू डीसा की तरफ का आता है, वो 400 से लेके 420 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से, मतलब कि 2000 रुपये से लेके 2100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सुख्याति आलू गुजरात की सूरत मंडी में भाव चल रहे हैं। वही बात करें सूरत मंडी में बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू जो डीसा का जाता है कोल्ड स्टोरेज से या तो डंप वाला, उसका रेट है 440 रुपये से लेकर 450 रुपये प्रति 20 किलो, मतलब कि 2200 रुपये से लेकर 2250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से डीसा का बादशाह आलू सूरत मंडी में भाव चल रहा है। वही बात करें बादशाह आलू की बीजापुर का साइड का, तो उसका भाव चल रहा है 500 रुपये से लेकर 530 रुपये प्रति 20 किलो, मतलब कि 2500 रुपये से लेकर 2650 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरत मंडी में बादशाह आलू अभी बिक्री हो रहा है। किशन भाई, हम व्हाट्सएप में या फेसबुक ग्रुपों में हम देखते हैं कि कब 2000 क्विंटल बिकेगा, कब 2000 रुपये से क्रॉस करेगा, उससे आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखो कि गुजरात की सूरत मंडी में जो बीजापुर का जो बादशाह आलू है वो 2500 से लेके 2650 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अभी आज की तारीख में बिक्री हो रहा है, मतलब कि ये भाव बहुत अच्छे है। अभी कोल्डों के कई कई गेट खुले हैं, उस टाइम पे डंप का आलू या तो अभी तो माने तो खेत का भी आलू अगर 2650 रुपये तक क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है, तो ये हम किसान भाइयों के लिए आने वाले समय में 2024 के साल का एक सुनहरा मौका माना जाएगा। क्योंकि जब जब भी जिस साल आलू में तेजी आती है, तो वो कहीं ना कहीं अगस्त से लेके ज्यादा से ज्यादा माने तो सितंबर तक अपने को मिलने का चांस रहता है। लेकिन इस साल बहुत ही ऐतिहासिक बात ये है कि पिछले जब तक मेरे को याद है, जब तक मेरे को जो जानकारी मिली है, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब कोल्ड के गेट खुलते ही 1100 से भी प्लस कट्टे के ऊपर भाव मिल रहा हो, या तो 2000 से भी ऊपर जो अपना जो क्विंटल का जो रेट बोलते हैं वो क्रॉस किया हो, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है हम किसान भाइयों के लिए, जिन व्यापारी भाइयों ने आलू का भंडारण किया है उन लोगों के लिए, और जो मंडियों में हमारे बैठे हुए आढ़तिया भाई है उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब किसान के पास पैसा आएगा, जब किसान खुश होगा, तभी तो व्यापारी भाइयों का, कोल्ड स्टोरेज मालिकों का और आढ़तिया भाइयों का जो अपना जो बिजनेस है, जो अपना व्यापार है, वो अच्छी तरह से चल पाएगा। और ये जो बात है वो हम सबके लिए खुशी की बात है। और किसान भाइयों, आज ही एक या दो वीडियो और आएगा, और उसमें मैं जो अभी मेरे पास जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमारे गुजरात की बात करें तो उसमें जो कोल्ड स्टोरेज का भंडारण हुआ है, उसमें जो डिवीजन वाइज 4 या 5 डिवीजन पड़ते हैं, उसमें किस किस डिवीजन में कितना कितना आलू भंडारित हुआ है, किस क्वालिटी का हुआ है, किस किस्म का हुआ है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरे किसान भाइयों को शेयर जरूर करें, और आने वाले वीडियो जरूर देखा करें, और पूरा वीडियो देखें, जिसकी वजह से जो जानकारी इस जो वीडियो में दी जाएगी वो आपकी पूरी समझ में आएगी, तो उसके कारण आपको भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, और आशा रखता हूँ कि आने वाले मेरे वीडियो भी आप देखते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।
जय जवान जय किसान।